लेता है और अपनी जगह उसे टेंटेल्स के लिए सैक्रिफाइस बनाने का डिसाइड करता है, जिसकी मदद से एक पावरफुल गॉड ट्री और चाक्रा फूड बनेगा। इशिकी के प्लान्स फेल हो जाते हैं जब उसके साथी अमाडो और कोजी उसे धोखा देते हैं और कवाकी खुद को फ्री कर लेता है, जिससे इशिकी की मौत हो जाती है। मोमोशिकी इशिकी के डेथ को अपने लिए फायदेमंद समझता है। कवाकी के कार्मा को खोने के बाद भी उसका 80% बायोलॉजिकल डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ था, जिससे मोमोशिकी उसे एक फुल ओसुसुकी मानता है और टेंटेल्स के लिए एक वैल्यूएबल सैक्रिफाइस मानता है। पर उससे पहले बोरुतो अपने ऊपर कंट्रोल पा लेता है और मोमोशिकी को रोक लेता है कवाकी को बीस तक ले जाने से पहले, जिसके तुरंत बाद ही इशिकी का सोल उसके लॉयल और फील्ड वेसल कोर्ट के सामने आता है और उसे व्हाइट कर्मा का यूज करके ओसुसुकी में ट्रांसफॉर्म होकर ओसुसुकी विल को आगे बढ़ाने कहता है। कोड मान जाता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वो अपने मास्टर के किलर से बदला लेने का डिसाइड करता है। एबिलिटीज। अमाडो बताता है कि ओसुसुकी एक एलियन रेस है जो चाक्रा फ्रूट के एनर्जी और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से इवॉल्व करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की तरह होते हैं गॉड ट्री के लिए, जिससे उन्हें गॉड लाइक पावर्स मिलती है। चाक्रा फ्रूट को खाने के बाद कुछ ओसुसुकी एक हद तक चाक्रा को कंज्यूम या फिर कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पावर जैसे डोजुत्सु कंज्यूम करने के बाद भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मोमोशिकी बताता है कि ओसुसुकी का चाक्रा को इस्तेमाल करना ही उनका ग्रेट स्किल है, जो सिर्फ उनके लिए ही था, पर हागारोमो ने इसे इंसानों को सिखाया निंशु की मदद से। इसकी मदद से वो लोग फाइट और खुद के प्रेजेंस को सील भी कर पाते हैं, और जैसा कि फो शिनोबी वर्ल्ड वॉर में जिनके पास टेंटेल्स चाक्रा था, यहाँ तक कि काकुया भी सभी शिनोबी स्किल्स के आगे कमजोर पड़ जाती है और आखिर में वो हागारोमो के 6 पास चाक्रा से हार जाती है। ओसुसुकी मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। हागारोमो का सोल उसके चाक्रा से जिंदा रहता है, जो वक्त के साथ चलता है, ताकि वो मरने के बाद भी अपने इश्यूज को सॉल्व कर सके। हामुरा का सोल भी कुछ इन्हीं रीजंस की वजह से हिनाता युगा के सामने आता है, तोनोरी को रोकने के लिए उसे पावर्स देता है। इंद्रा और अशुरा का चाक्रा बार बार जन्म लेता है उनके डिसेंडेंट्स में, उनके आपस के लड़ाई को खत्म करने के लिए। मोमोशिकी का स्पिरिट उसके बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी कुछ वक्त के लिए बना रहता है और वो बोरुतो को अपने लास्ट वर्ड्स कह पाता है।